हाय फ्रेंड्स, आ गए हूँ फिर से एक नया वीडियो लेके। जिसने आगे वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वो आगे वाले वीडियो देख ले, तो उनको आगे क्या क्या प्रोसेस था पूरा वो मालूम चलेगा। सो, आपको जैसे मालूम था कि 14 मार्च को एक कलेक्शन हो चुका था। उसके बाद एम्ब्रियो के रिपोर्ट के लिए हमको 19 मार्च को बुलाया था। तो 19 मार्च को हम रिपोर्ट लेने के लिए गए तो हमको बताया कि 3 एम्ब्रियो प्लास्टोसिस एम्ब्रियो अच्छे हो चुके हैं, उसका ये रिजल्ट था और एक ऑब्जर्वेशन पे था। तो आप एक दिन और आइए तो 20 तारीख को आपको मालूम चलेगा कि चौथा जो ऑब्जर्वेशन पे है उसका रिपोर्ट क्या है। तो फिर से हम 11:30 बजे 20 मार्च को हम फिर से गए तो हमको ये रिपोर्ट डॉक्टर ने दिया। 20 मार्च को हम फिर से गए, उन्होंने रिपोर्ट दिया तो ये पूरा रिपोर्ट है। और उन्होंने बोला कि आपका जो चौथा ऑब्जर्वेशन पेज था वो अच्छा, प्लास्टोसिस हुआ नहीं है, तो 3 ही एम्ब्रियो है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हम दो एम्ब्रियो मतलब प्लास्टोसिस हम ट्रांसफ़र करेंगे और एक हम फ्रोजन रखेंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस हो गया तो दूसरे का कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये था अभी तक का सीन। फिर हमें 20 तारीख को ये मेडिसिन दी थी, उसी दिन हमको ये मेडिसिन दी थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि 20 मार्च को डॉक्टर ने बोला था कि पीरियड के सेकंड डे के बाद आपको ये सब मेडिसिन स्टार्ट करनी है। और डॉक्टर ने बोला था कि आपका पीरियड का डेट, मेरे वाइफ को बोला था कि पीरियड का डेट जल्दी आ जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, 25 मार्च को जनरली फर्स्ट को आता है तो 5 दिन पहले ही आ गया था। तो पीरियड जल्दी आ गया था 25 तारीख को। तो फिर उन्होंने ये 14 दिन के लिए ये सब मेडिसिन स्टार्ट कर ली। तो मैंने वो मेडिसिन का जो आगे का वीडियो था, मेडिसिन जो थी वो भी मैंने बताया था। ये रहा ये 14 दिन की 6000 वाली, बस इतनी 6000 की 40 डेज की ये मेडिसिन आई थी। फिर एक बार देख लो, ठीक है। तो 14 दिन के लिए ये मेडिसिन दी थी। उसके बाद हम 8 अप्रैल को 2 दिन पहले हम गए। तो उन्होंने सोनोग्राफी के बाद एक ये इंजेक्शन दिया उनको और ये मेडिसिन फिर से लिख के दे दी। तो वो मेडिसिन ये रही, ये फिर से हमको ये मेडिसिन अब स्टार्ट करनी है। तो ये 5 दिन के लिए मेडिसिन दी और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का डेट आया है 15 अप्रैल। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का डेट है 15 अप्रैल, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का डेट है। तो आज से ये इंजेक्शन स्टार्ट हो गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटिन्यूस ये इंजेक्शन लेना है और 12 तारीख से ये इंजेक्शन रोज लेना है डेली। तो अब हमको रोज जाना पड़ेगा इंजेक्शन लेने के लिए, हमको रोज जाना पड़ेगा। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का 15/4/21 को हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, उसके 15 डेज के बाद हमें मालूम चलेगा कि ये पूरा प्रोसेस सक्सेस हुआ है कि नहीं। तो प्लीज़ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 15 दिन के बाद हम जो भी होगा, मतलब पूरा प्रोसेस सक्सेस हुआ कि नहीं, वो 15 दिन के बाद तो मालूम चलेगा। तो मैं आपको ज़रूर से शेयर करूँगा कि पूरा प्रोसेस सक्सेस हुआ है कि नहीं। तो आगे की वीडियो में बताता रहूँ और अभी भी फिर से बता रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि ये अब 15 दिन कैसे निकलेंगे हमारे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, क्या ख्याल रखे, क्या करे, कितना ध्यान रखे कि कितना सोचे, मालूम नहीं चल रहा। बट मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपका शेयर करने का रीज़न यही है कि पूरा एक्सपेंस कितना होता है और डे टू डे खर्चा कितना होता है। तो और ये मैंने आगे मार्च तक मेरा 37
1000 रुपीज़ मेडिसिन में ऑलरेडी खर्चा हो चुका है। उसके बाद 8 अप्रैल को ये 5000 की और मेडिसिन आई थी, और आज ये 6000 5000 की आज मेडिसिन इंजेक्शन, ये 6 दिन के लेने के लिए 6000 की ये दवाई है ये। और फिर से हमको 10-15 कोविड का टेस्ट कराना पड़ेगा, और टोटल अभी तक का एक्सपेंस हुआ है 49,000 रुपीज़। और हमें ये भी बोला है कि 15 ऑफ अप्रैल को आप 25,000 रुपीज़ और रखना मेडिकल का और ख़र्चा होगा। तो मैंने आगे की वीडियो में बताया था कि मैंने 2.5 लाख वाला पैकेज लिया हुआ है, तो उसमें से ऑलरेडी मैं 2,20,000 अराउंड पे कर चुका हूँ, और 30,000 और पे करना बाकी है। तो 2.5 लाख का ये पैकेज है, उसके ऊपर मेरा ऑलरेडी 49,000 रुपीज़ एक्सपेंस हो चुका है, और 25,000 रुपीज़ और ख़र्चा होने वाला है। तो मुझे ऐसा बताया गया था कि आपका 50,000 और मेडिसिन का पकड़ के चलो, बट पूरा प्लानिंग ज़्यादा हो रहा है। 25,000 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 25,000 रुपीज़, 15 दिन की दवाई का 45,000 रुपीज़ खर्चा बोला हुआ है कि वो आपको पहले से ही दवाई 45,000 रुपीज़ लेके रखनी है। तो ये अराउंड 75,000 रुपीज़ हो चुका है मेडिकल का खर्चा, और उसके बाद जो सक्सेस हुआ तो उसके बाद ये इंजेक्शन रोज डेली इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये भी इंजेक्शन शायद 4,000 रुपीज़ का आता है, तो ये 7 डेज चलता है 4,000 का इंजेक्शन, तो वो डेली लेना पड़ेगा। तो पूरा मैं आगे कितना खर्चा होता है वो बताता रहूँगा। तो मेडिसिन का ही खर्चा अभी तक मैं अराउंड 50,000 हो चुका है, प्लस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 25,000 और खर्चा होने वाला है। ऐसे मैं जनरली खर्चा लिख के रखता नहीं हूँ, पर मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। और उसके बाद ही हम पैकेज लेने के बाद भी हम सोचते हैं कि मतलब ये पैकेज लेने के बाद हम सोचते हैं कि भाई सब कुछ अंदर इंक्लूडिंग हो जाएगा, तो वो नहीं है। आप 75,000 रुपीज़ अभी तक तो मैं पहुंच चुका हूँ, अभी पूरा प्रोसेस हुआ नहीं है। तो और भी मतलब 1-1.5 लाख रुपए मेडिसिन का और पकड़ के चलना चाहिए था मुझे। मैंने 50,000 पकड़ के चला था, पर वो थोड़ा 50,000 और खर्चा ज़्यादा हो चुका है। सो देखने में आ रहा है तो 50,000 और खर्चा हो जाएगा। और तो इस हिसाब से प्लानिंग करके रखो कि ये कहीं पे एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया किसी ने कि भाई इसके बाद तो अराउंड 2.5 लाख का पैकेज प्लस 150 आप मेडिसिन का 1.5 लाख पकड़ के चलो। तो 2.5 लाख मैंने आगे की वीडियो में बताया था कि 3 लाख खर्चा होगा, 50,000 पकड़ के चलो। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मेडिसिन का आप 1.5 लाख पकड़ के चलो। 1 लाख रुपए तो मेरा अभी तक का खर्चा हो ही चुका है, सक्सेस होने के बाद और मेडिसिन का खर्चा पड़ेगा। सो जो आप प्लान कर रहे हो तो उस हिसाब से करो कि 2.5 लाख ये एक्सपेंस प्लस आप 4 लाख खर्चा पकड़ के ही चलो, कि मेडिसिन का 1.5 लाख और खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। सो यही था आज का वीडियो, और कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर से शेयर करें।